हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना की दुनिया। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी शेयरिंग, यानी कि मेरी रिंग सेरेमनी की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी 2015 में, और एक लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाया था हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, आज वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरी रिंग सेरेमनी कैसी हुई थी। तो ये देखिए, ये है मेरी रिंग सेरेमनी की डेट, 28/11 यानी कि नवंबर में हुई थी और 2015 में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं। ये है हमारे कुछ पोर्ट्रेट्स। तो बहुत ही, मतलब एक मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग डे था, और मैं, मतलब हर लड़की के लिए एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग डे होता है कि उसकी रिंग सेरेमनी होना, और वो भी उसके, मतलब जिससे वो चाहती है, यानी कि लव मैरिज हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इस दिन के लिए। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको और इस एल्बम में क्या क्या है। तो ये है वेन्यू, देखिए आप। स्टार्टिंग में मैं आपको पहले वेन्यू दिखाती हूँ। ये है मेरी मदर इन लॉ, जो साड़ी में है, जो इस दुनिया में अब नहीं है हमारे साथ। तो मम्मी को गए 2 साल हो गए हैं, साथ में मासी हैं, नीचे काशवी है। और ये है हमारी कुछ फोटोग्राफ्स, देखिए। तो बिल्कुल ये है कि शादी के बाद कितना, मतलब टाइम चेंज हो जाता है, और हम लोग बिल्कुल चेंज हो गए हैं। यहाँ पे मेरी ननद है, नंदोई है, ये इनकी दोनों बेटियाँ हैं, दीशु और काशवी, आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए सबको मिलवाती हूँ, देखिए सब कौन कौन है मेरी रिंग सेरेमनी में। तो दीदी और जिया जी हैं यहाँ पे, ननद है मेरी पूनम दीदी को आप जानते ही हैं सब। और ये है मम्मी के मायके वाले सब लोग। तो ये पूरा पेज है मम्मी के मायके से। और मम्मी अब नहीं है हमारे साथ, उस टाइम थी, तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। ये देखिए, काफ़ी खुश थी हमारी शादी में मम्मी। और हर माँ का सपना होता है बेटे की घोड़ी लेकर जाना, बारात चढ़ाना, तो बस मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी उस टाइम पे। तो बस अब नहीं है हमारे साथ, यही दुख होता है। ये है मेरे फादर इन लॉ, और ये है हमारी कुछ ब्यूटीफुल से पिक्चर्स। ये दीदी की ससुराल वाले, उनकी देवरानी, ये देखिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक प्यारी सी शेयरिंग करनी तो बनती है फ्रेंड्स। तो चलिए दिखाते हैं आपको मेरी इंगेजमेंट एल्बम। दीदी के सास ससुर हैं ये, देखिए। और सबसे मिलवाऊंगी मैं आज आपको। ये है इनके देवर और देवरानी, ये भी मम्मी के मायके वाले हैं मेरी सास के। तो मौसी भी जा चुकी हैं, अनु मौसी, वो भी हैं इसमें। ये मामा जी के बच्चे हैं। यहाँ पे हैं फादर इन लॉ, ताऊ जी, और यहाँ पे जीजा जी। और ये हैं मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ दोनों। तो देखिए, माँ बेटी का रिश्ता तो जन्मों जन्मांतर नहीं भुलाया जा सकता। दीदी भी बहुत मिस करती हैं मम्मी को। और ये हैं यहाँ पे जेठानी जी मेरी। उस टाइम पे तो मैं नहीं जानती थी सबको। हर एक लड़की के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है आज के दिन, और मेरे लिए भी था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ये देखिए। और हम लोग सगाई लेकर आ चुके थे लड़के वालों के घर यहाँ पे। ये मेरे मायके वाले हैं सब। काफ़ी, मतलब इन लोगों ने ढोल और ताशे वगैरह बजाते हुए हम लोगों की एंट्री हुई थी। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि हाँ भाई, लड़की वाले बारात लेकर आ गए हैं। बट होता ही है कि यही सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, देखिए। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, ये है मेरे मायके की तरफ के रिलेटिव्स। तो बहुत ही अच्छा लगा था, इस टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे, इवनिंग का टाइम था। और ये है मेरा भाई अमन, जिसकी अभी शादी के वीडियोस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो कितना छोटा है इसमें, देखो। तो बस यही है, कितना सुंदर लगता है ये सब कुछ देखना। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, और ये भी बहुत एक्साइटेड थे एक दूसरे को देखने के लिए कि हम लोगों ने, इन्होंने मेरे से सरप्राइज़ भी रखा था कि, मतलब मैं क्या वेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड थी इनको देखने के लिए कि ये कैसे लग रहे होंगे। और यहाँ मम्मी जी को, मतलब जो इनको सामान दिया गया था वो दे रहे हैं ये मेरे मायके वाले, इनको मतलब सामान देते हुए कुछ। तो पहले लड़के को हमारे यहाँ पे पटरे पे रोका जाता है, यानी कि मेरे भाई ने पहले टीका वगैरह करा था इनको।
उसके बाद इन्होंने मम्मी को ये सामान दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारे रीति रिवाज और हमारी शादी हुई। तो मैं एक राजस्थानी फैमिली से थी और अब एक ब्राह्मण फैमिली में आ गई हूँ। तो दोनों ही मतलब कास्ट से हम बहुत ही खुश हैं कि अच्छे से हमारी शादी हुई, सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये सब मेरे ससुराल वाले हैं और ये है मेरी मदर पिंक साड़ी में और ये है मेरी मदर इन लॉ। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना, दोनों ही साथ हैं, दोनों ही खुश हैं कितना। और ऊपर है मेरे फादर और फादर इन लॉ, ये देखिए। तो सबके लिए बहुत अलग एक एक्सपीरियंस था कि हाँ भाई अदर कास्ट में शादी कर रहे थे, मेरे फादर भी फर्स्ट टाइम। बट ये है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। और ये है दीपा, मेरी छोटी वाली बहन, इस टाइम तो अनमैरिड है। ऊपर है मेरी बड़ी वाली बहन और दीदी, मतलब इनके जीजा जी और दीदी, और मेरे जीजा जी और दीदी, ये देखिए। तो ये दोनों आपस में मतलब यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स करवा रहे हैं। और कितना सुंदर लगता है ना ये टाइम, सच में। मैंने भी आज एल्बम खोल के देखी तो सच में वो मोमेंट मेरे सामने बिल्कुल एकदम एज इट इज़ आ गया कि वो टाइम सच में बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्यारा टाइम था। और यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी, मेरी सिस्टर्स मेरे को लेकर आ रहे हैं, देखिए। और मैं इतना ज़्यादा मतलब शाय फील कर रही थी कि मुझसे मतलब इनको देखा भी नहीं जा रहा था डायरेक्ट। तो यहाँ पे हुई थी मेरी एंट्री और उसके बाद दीदी ने मतलब गोद भराई करी थी मेरी, सेम डे ही मतलब गोद भराई करी थी पहले, फिर रिंग सेरेमनी थी। तो रेडी तो मैं पहले ही हो गई थी पार्लर से, बट ये है कि थोड़ा बहुत इन्होंने जो शगन करना होता है वो किया दीदी ने, और सारा सामान जो गोद भराई में गोद में देते हैं वो दिया। तो इस तरीके से हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा था सच में। और पता ही नहीं लगता कब इतना टाइम हो गया और बेटा भी मेरा इतना बड़ा हो गया है आज, ऐसा लगता है कल की सी बात है एल्बम देखो तो। तो ये देखिए मेरा शादी का लहंगा, चप्पल वगैरह जो भी सामान इन लोगों ने चढ़ाया था वो सब मेरी गोद में रख दिया था। और उसके बाद हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी। तो सच में ये मोमेंट्स याद आते हैं ना मुझे, अब भी इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है कि हम लोग पहले घूमते फिरते थे ऑफिस टाइम में, और उसके बाद देखो इस टाइम पे हमारी जब रिंग सेरेमनी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और दोनों की ही फैमिली साथ में थी, तो ये एक किस लड़की के लिए मतलब बहुत ही अलग बात थी मेरे लिए। तो ये देखिए हमारी फैमिली फ़ोटो है, और इधर है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। बहुत ही अच्छा लगा सच में, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी चेतना की दुनिया में शेयरिंग करना बनता है। और इधर मेरी मदर इन लॉ मेरे भाई को मतलब टीका करके कुछ कपड़े देते हैं, वो दे रहे थे। और ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, ये देखिए, ये दीदी के ससुराल वाले हैं सब। इधर मेरी कज़न सिस्टर है, ये भी इस टाइम पे अनमैरिड थी। तो सब लोग काफ़ी खुश थे हमारी शादी को लेकर, सबको एक मन में ये था कि हाँ भाई लव अरेंज मैरिज हो रही है, क्योंकि बड़ी सिस्टर की अरेंज मैरिज है तो मेरी ही लव अरेंज मैरिज थी। और सच में देखिए कितनी प्यारी शेयरिंग है, ये है मेरी बड़ी सिस्टर और जीजा जी, काफ़ी टाइम आपको देख भी चुके हो आप लोग इसको व्लॉग्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है मेरी रिंग सेरेमनी की एल्बम। और इधर है मेरे दादाजी भी लेफ्ट में, देखिए, जो अब हमें छोड़ के जा चुके हैं, मतलब दादी जी हैं बस। और ये था इनका दो दिन बाद का हल्दी रसम, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली से हैं मेरे हस्बैंड, तो इनके यहाँ पे जनेऊ हुआ था उस दिन की है ये, जनेऊ पूजन किया जा रहा था। तो ये देखिए ये उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। और आगे मैं आपके साथ शादी की एल्बम भी शेयर करूँगी। अगर आप इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे, तो जल्दी ही वेडिंग एल्बम भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं ये, हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए बहुत ही प्यारा डे होता है सच में। और यहाँ पे ये मम्मी और मतलब कर रहे हैं चाक पूजन, तो चाक पूजन वगैरह की भी वीडियोस हैं, देखिए फ्रेंड।
और यहाँ पे कर रहे थे दीदी वगैरह मतलब अपना भात की तैयारी और हल्दी की रसम वगैरह देखिए। उसके बाद रात को नाइट में लग गई थी इनको मेरे नाम की मेहंदी, इन्होंने मेरा नाम लिखवाया था पूरा और मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के सच में। थैंक यू कुणाल, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। और देखिए ये लग चुकी है इनके हाथों में मेहंदी, दीदी ने ही लगाई थी इनको मेहंदी घर में। और इस दिन थी इनकी यहाँ पे मेहंदी नाइट, तो कभी आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी आगे। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, बहुत ही प्यारी वीडियो है सच में, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे पल है ये। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वेडिंग एल्बम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।